जोरदार तालियां ठाकुर जी के सम्मान के लिए, जोरदार तालियां पूनम दीदी के सम्मान के लिए, जोरदार तालियां। संतन भगतन की जय, खाटू नरेश की जय। राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर् मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुर् वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम, संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुनि पुनि करहूं प्रणाम। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम, कृपा करो मम ही बसो प्यारे श्याम श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ विराजमान सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सरकार की कृपा, पहली बार आप लोगों के मध्य आए हैं, मेरे लाडली लाल जी की कृपा और आपका प्रयास,
आप लोगों के भाव को देखते हुए मेरे बिहारी जी ने मुझे वृंदावन से भेजा है। बिहारी जी से प्रार्थना कि आज वो आपके हृदय आसन पर ऐसे बैठ जाएं कि लाख चाहने पर भी फिर वो यहाँ से बाहर ना जा सके, मैं ऐसा प्रयास करूँगी, प्रार्थना है। तो आओ नियम अनुसार पहले गुरु चरणों में प्रार्थना करें। या आसपास हमने बड़ा आनंद लिया है बाबा के चरणों में बैठकर। आज बाबा शरीर से तो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर है। तो आओ ऐसे संतों का सानिध्य, अपने गुरुजनों का प्रेम, उसको स्वीकार करते हुए समर्पण की भावना लेकर सब मेरे साथ इस प्रार्थना के शब्द को दोहराएं।
कुछ ऐसा है, मोबाइल बेटा जेब में रख लो, अभी आप बच्चे हो, अभी से आदत पड़ गई तो बुढ़ापे तक बड़ी दिक्कत होगी, जेब में रखो इसको, जेब में रखो। और मिलकर ये हाथ मोबाइल के लिए उठाने से अच्छा है प्रभु की शरण में कि हमारी बाह पकड़ लो, उसके लिए उठाइए। आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। तो मैं बता रही थी ये नाता कैसा होता है। एक बार एक भंवरा जो फूलों का रस लेता है, फूलों का रस लेने के बाद वो जिस रास्ते से जाता था, एक दिन उसने क्या देखा, उसकी नजर गंदगी के कीड़े पर पड़ गई, नाली के कीड़े पर पड़ गई, और उसको दया आ गई। बोले किस गंदगी में पड़ा है, और कहां मैं फूलों का रस लेता हूँ, कहां मैं स्वर्ग में रहता हूँ, कहां ये नरक में पड़ा है। उसको जब दया आई तो उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोले मुझसे दोस्ती करोगे। वो नाली का कीड़ा सोचने लगा गंदगी की, मेरा तुम्हारा क्या मेल। बोले कोई नहीं, मेल की बात नहीं है, दोस्ती करनी है तो बताओ। दोस्ती हो गई। अब भंवरा फूलों का रस लेने के बाद आते जाते अपने दोस्त को मिलता है। एक दिन उसको दया आई, बोले तुम इस गंदगी में पड़े क्या करते हो, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। वो नाली का कीड़ा कहने लगा कौन सी जन्नत, मैं तो जहां रहता हूं मेरे लिए यही जन्नत है, इससे बढ़कर कोई जन्नत मुझे चाहिए नहीं, मैं नहीं जानता। बोले एक बार मेरे साथ चलो, एक बार उस रस को चख कर देखो, तुम्हें पता चलेगा जन्नत क्या होती है। अभी तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया यही है, लेकिन नहीं, अगर मुझसे दोस्ती की है तो मुझ पर भरोसा करो, एक बार मेरे साथ चलो तो सही। बोले ठीक है, कल सुबह जब तुम जाओगे तो मुझे लेते जाना। अगले दिन सुबह उस भंवरे ने उस नाली के कीड़े को देखा, बोले चलोगे, कहने लगा बिल्कुल। अपने कंधे पर सवार करके ले गया उसे एक सुंदर बगीचे में। अब फूल के ऊपर, एक फूल के ऊपर खुद बैठ गया, दूसरे फूल के ऊपर उस नाली के कीड़े को बिठा दिया। अब भंवरा फूलों का रस ले रहा है, उसको तो आदत पड़ी है, लेकिन वो जो नाली का कीड़ा है, जो गंदगी का कीड़ा है, जब वो फूल के ऊपर बैठा तो उसे पता चला जन्नत क्या होती है। लेकिन अब सुबह से शाम हो गई, उस रस को लेने के बाद भंवरा अपने सुध खो बैठा, मस्त है, मदमस्त है बिल्कुल। वो भूल गया है कि मैं अपने दोस्त को भी लेकर आया हूँ, अपने ही नशे में है। अब शाम होते ही जैसे जैसे सूरज ढला, वो फूल बंद हो गए, सूर्य को देखते ही खिल जाते हैं, सूरज ढलते ही। ए लाला, वो फूल जब बंद हुआ तो वो भूल गया कि मेरा दोस्त को मैंने यहाँ छोड़ा था, वो उसी फूल में बंद हो गया। अब भंवरा तो उड़ गया। अगले दिन सुबह जब सूर्य उगा तो वो पुष्प भी धीरे धीरे खिला। अब उस गंदगी के कीड़े को बिठा तो दिया, लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं आता। इतने में माली आया, उसने एक एक फूल को तोड़ा और डलिया में रखा, उसमें वो फूल भी आया जिसमें वो नाली का कीड़ा था। थोड़ी देर में बिहारी जी के मंदिर से बिहारी जी के पुजारी आए, उन्होंने फूल माला मांगी, उसने फूल माला पिरोई और वही माला दे दी, उसमें वो फूल भी था जिसमें वो कीड़ा था। अब वो फूल माला ले जाकर बिहारी जी के गले में डाल दी, अब वो गंदगी का कीड़ा भी बिहारी जी के गले में ही था। थोड़ी देर बाद कोई प्यारा आया प्रभु का, वो माला उतार कर दी। अब माला उतार कर दी, वो पुष्प पैरों में गिर गया, वो कीड़ा भी पैरों में, कीड़ा सब देख रहा है, वो नाली का कीड़ा सब देख रहा है। तुरंत गोस्वामी जी ने उस पुष्प को उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। उसके बाद उन पुष्पों को लिया और यमुना जल में विसर्जन किया।
तो यमुना जल में वो फूल भी बहता जा रहा है, वो कीड़ा भी बहता जा रहा है और याद कर रहा है, वाह भवरे तेरी दोस्ती, कहां मैं गंदगी में पड़ा था, कहां तूने दोस्ती करके मुझे बिहारी जी के चरणों तक पहुंचा दिया और आज मैं यमुना जी के जल में सैर कर रहा हूं। ये कौन है, ये भवरा कौन है, ये संत ही तो है। ऐसे संतों के आगे जब हम संत का स्मरण करते हैं तो गोविंद स्वयं आ जाते हैं, और जब गोविंद सामने बैठे हो हम वहां पकड़ाने की बजाय मोबाइल लेके बैठे रहे तो बात कैसे बनेगी। व्यस्तता आपकी तरफ से है, वो तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए ही सही, दोनों हाथ उठा के कह दो, आसरा कोई न देता, आप ही मेरे।
सरकार हजारों देखी है तेरे जैसी कोई रिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में है कौन बशर इस दुनिया में जो तेरा खिदमतगार दुनिया से भला हम क्यों मांगे भिखारन है फर्क क्या है भिखारी तो सभी है फर्क इतना ही है कि अमीर मंदिर के अंदर मांगता है गरीब मंदिर के बाहर मांगता है मांगता सब दुनिया से भला हम क्यों मांगे दुनिया खुद एक भिखारन है हम मांगेंगे अपने बाबा से जहाँ होता कभी और कुछ ऐसे भी है तेरे दर का भला कौन पता देता है बैठ जाइए राधे राधे वही कुछ दूर बता देता पर जिसे तेरे दर का पता मिल गया है जिसे तेरे दर का पता मिल गया है हकीकत में उसको खुदा मिल गया है हकीकत में उसको खुदा मिल गया है जन भी तेरे चरण चूमते जहां तुमने इठला के चिलमन उठा दी वहां प्रेमियों ने जवानी लुटा दी वहां प्रेमियों ने जवानी लुटा दी वहां प्रेमियों ने जवानी लुटा दी ऐसे ऐसे चाहने वाले आए हैं हम हजारों चक्कर लगाए वृंदावन के लेकिन वो बात नहीं बन पाई लेकिन रसखान जी ने तो एक पान की दुकान पर तस्वीर देखी एक पान की दुकान पर तस्वीर देख ली ठाकुर जी की अरे भैया ये कौन है इतना सुंदर ये तो हिंदुओं का ठाकुर है हिंदुओं का खुदा है हिंदुओं का खुदा है बड़ा सुंदर है ये हिंदुओं का खुदा हमारे खुदा से छोटा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब से इसको देखा है ना
मन करता है कि देखते ही जाए, एक बार जाके देखूं तो सही। भैया ये कहाँ रहता है? तेरे दर का भला कौन पता देता है? जिसे तेरे दर का पता मिल गया है, हकीकत में उसको खुदा मिल गया है। हम दिन में कितनी बार तस्वीर देखते हैं ठाकुर की, लेकिन हम तक ये बात नहीं पहुंच रही। अपनी हस्ती को तेरे चरणों में मिटा देते हैं। कैसे कैसे भक्त हुए, जाने क्या लोग थे, कैसे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम है मगर ये अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। अपनी हस्ती को जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुझे हर तौर तरीके से मना लेते हैं। बड़े होशियार तेरे भक्त प्रभु क्या कहिए, जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं। ऐसी आवाज से कहते हैं प्रभु आ जाओ। यही तो बिहारी जी थे, यही तो राधा रमन जी थे, जिनके हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने मंदिर को छोड़कर बाहर रसखान जी को गले से लगाने के लिए आए हैं। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, मुझको रसखान सलवार पहना गया। तूने हृदय से मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदनाइन के छिलके तक खा गया। इतना आसान नहीं है। ऐसी आवाज से कहते हैं प्रभु आ जा, तुझे आने पे मजबूर बना देते हैं। मुफलसी हो या मुसीबत जो भी आ जाए, तेरी सौगात समझ के सर पे उठा लेते। पहली बार देखते ही ऐसा दीवाना हो गया, बोले मुझे इस हिंदुओं के खुदा से मिलना है। वो दुकान वाला कहने लगा रहने दो, तुम्हें तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा, तुम्हारे लोग तुम्हें काफिर कह के पुकारेंगे। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जाना है। चले हैं, लेकिन जाते जाते सोच रहे हैं जब पहली बार किसी से मिलने जाया जाए तो कुछ ना कुछ उपहार भेंट तो लेके जानी चाहिए। भैया इसको क्या पसंद है? बोले इसे क्या पसंद नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। रसखान जी ने सिर से पैर तक देखा, बोले इसके पास सब कुछ तो है लेकिन इसके पाँव में जूता नहीं है। जूता लेकर चले हैं वृंदावन की ओर, रास्ता पूछ रहे हैं, वो कोई पकड़ के मेरा हाथ ले। चलना है ऐसे भक्तों की टोली में, चलना है जो चलना चाहते हैं दोनों हाथ उठा लो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे रे मोहे वृंदावन पहुंचा। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे मोहे वृंदावन पहुंचा। ओ मोहे वृंदावन पहुंचा।
वो मेरा जन्म जन्म का साथ दे।
मुझे करनी है उससे बात रे। काली देह देख देख अमित सुधा सुख सिंधु में समाता समाता फिर कामना ना और किसी बात की रहती उसे कामना ना और किसी बात की रहती उसे सुरपुर के यान यूके के फिराता है। देवदूतों क्यों विमान लिए आए दौड़े वृंदावन वासी के लिए अगर स्वर्ग से विमान भी आ जाए ना तो एक ही बात कहता है वो ऐ देवदूतों क्यों विमान लिए आए दौड़े। अरे वृंदावन छोड़ भैया स्वर्ग कौन बनियो तो बनियो वृंदावन को मैं नाच नाच कूक कूक भूमि को रिझाऊं नाच नाच कूक
कूद कूद फांद वृक्ष राधे राधे जो ब्रज के मोर बंदर कुत्ते शुकर जितने भी हैं इन्हें कोई आम मत समझना प्यारे। ये ठाकुर जी के वो रसिक हैं। एक बार एक बाबा हुए हमारे वृंदावन में, उन्होंने 15 साल की उम्र से एक नियम बना रखा था कि रोज भोग बनाते थे और बिहारी जी के मंदिर ठाकुर जी को भोग पवाने के लिए जाते थे। अपना नित्य नेम करके पवित्रता से शुद्धता से अमनिया तैयार करना और जाके ठाकुर जी को प्रसादी लगवा के फिर पाना खुद को। 60 साल इस प्रक्रिया को हो गए, बाबा की उम्र 75 साल हो गई। आज बाबा भोग लेकर जा रहे हैं तो राधा वल्लभ जी की गली में से जाते हैं, जब जाने लगे तो वहां पर एक शुकर सुअर जो होता है ना शुकर, उसका बच्चा कीचड़ में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने इतनी जोर से छलांग लगाई, आपस में सब सुअर थे, तो वो जो गंदगी की छींटे थी वो बाबा के ऊपर पड़ गई, भोग के ऊपर भी कीचड़ चला गया। बाबा को गुस्सा आ गया, थाली नीचे गिर गई, बाबा ने एक पत्थर उठाया और उस सुअर को मार दिया। ये जितने फोन वाले बैठे हैं ना, छोड़ दो इसको, एक भी शब्द रह जाएगा तो ठाकुर जी से बहुत दूरी हो जाएगी। कह दो राधे राधे, जरा जोर से कह दो राधे राधे। अब बाबा को गुस्सा आया, उन्होंने एक पत्थर उठाया और सुअर को मार दिया। अब वो वापस घर गए, फिर स्नान किया, बड़ी पवित्रता से फिर भोग तैयार किया। भोग का थाल लेकर जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचे, बिहारी जी साक्षात प्रकट हो गए। कहने लगे, बाबा आज के बाद तुझे भोग लाने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? बोले, आज के बाद हम तेरे हाथ का प्रसाद पाएंगे नहीं। सरकार ऐसी क्या त्रुटि हो गई, ऐसा कौन सा अपराध भैया जो आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? बोले, तुम खुद सोचो। सरकार मैं तो 60 साल से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ भोग की, लेकिन आज ऐसी कौन सा अपराध जो आप ये कह रहे हैं कि तेरा भोग स्वीकार नहीं होगा? बोले, पहले खुद सोचो कि तुमने आज क्या किया। जब वो सोचने लगा तो बताया कि ऐसे ऐसे मैं भोग बनाकर जा रहा था तो रास्ते में एक सुअर के बच्चे ने सारा कीचड़ मेरे ऊपर डाल दिया, मेरा भोग व्यर्थ हो गया। बोले, फिर तूने क्या किया? मैंने एक पत्थर उठाया और उसे मार दिया। कहते, यही तेरी सजा है कि आज के बाद तेरा भोग स्वीकार नहीं होगा। बाबा रो पड़े, कहने लगे, कन्हैया मैं 60 साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, एक सुअर की वजह से, एक शुकर की वजह से इतनी बड़ी सजा कि आप मेरे हाथ का प्रसाद नहीं पाओगे? बोले, यही तो तुम लोगों की परेशानी है कि तुम इसको सुअर समझते हो। बोले, पता है ये कौन है जिसको तू पत्थर मार के आया है? ये पुनर्जन्म में मेरा एक प्यारा था, ब्रज में रहता था, दिन रात मेरी सेवा करता था, झाड़ू सेवा, सोनी सेवा, चाकरी करता था मेरी। एक दिन मैंने प्रसन्न होकर, इसने सारा जीवन मेरे लिए गुजारा, एक दिन मैंने प्रसन्न होकर इसको दर्शन दिए, मैंने कहा कुछ मांग ले, कभी कुछ मांगा नहीं इसने। कहने लगा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसके चाहने वालों की कोई मांग नहीं होती। हंसकर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे ये तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी।